दुनिया मिस्ट्री से भरी हुई है और ऐसी ही एक मिस्टीरियस जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। हाल ही में 2018 को यहाँ पे रहने वाले लोगों ने एक आदमी को मार डाला जो कि एक नॉर्मल सा नाव लेके उस आइलैंड पे गया था। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड समुन्द्र के बीच में आंदामान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है। हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। यह आइलैंड पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, कम्प्लीटली आइसोलेटेड। हिस्टोरियंस बताते हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के पूर्वज अफ्रीका से आए थे और ये लोग बेसिकली शिकार करके खाने वाले ट्राइब से थे। मेनली पेड़ के फल और सी फूड खा के ही सर्वाइव करते हैं यहाँ के लोग। कहा जाता है इस आइलैंड पे लोग अपने छोटे छोटे हट्स पे रहते हैं और नॉर्मल सी नाव में शिकार करते हैं समुन्द्र में। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट एस्टिमेट करता है उस आइलैंड पे पॉपुलेशन है 40, लेकिन कुछ सोर्सेज से पता चला है कि उस आइलैंड पे अराउंड 100 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इस आइलैंड से बहुत ही कम कनेक्शंस और थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स से हमें पता चला है कि यहाँ पे लोग बहुत ही शॉर्ट लेकिन मस्कुलर है और इनकी स्किन बहुत ही डार्क है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे लोग यूजुअली नेकेड ही रहते हैं, लेकिन कमर में बेल्ट जैसा कुछ पहनते हैं। बाय द वे इस आइलैंड में औरतों से ज्यादा आदमी लोग रहते हैं। मार्को पोलो जो कि एक राइटर, बिजनेसमैन और एक्सप्लोरर थे, वो अपने किताब में कुछ मिस्टीरियस लिखते हैं इस आइलैंड के बारे में। मार्को पोलो जब आंदामान के क्षेत्र से गुजर के इंडिया में आ रहे थे तो उन्होंने आंदामान की कुछ लोकल ट्राइब्स को देखा। स्पेशली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तो नहीं, लेकिन आंदामान और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले ट्राइब्स के बारे में वो लिखते हैं कि उन लोगों के सर एक कुत्ते जैसा था और उनके दांत और आंखें भी बिल्कुल एक कुत्ते जैसा दिखता था। मार्को पोलो अपने किताब में उन्हें कार्निवल्स बताते हैं, यानी कि इंसान को खाने वाला जीव। सेंटिनल्स का कल्चर और लैंग्वेज इतनी मिस्टीरियस है कि आंदामान में रहने वाले दूसरे ट्राइब्स के लोग भी इन्हें नहीं समझ पाते। आइलैंड और सेंटिनल्स के ऊपर 18 सेंचुरी से लोगों का इंटरेस्ट था, लेकिन कोई भी तब तक वहां पे नहीं गया था। 1867 में एक शिप इस आइलैंड की बहुत ही करीब डूब जाता है। इस दुर्घटना से बचे लोगों पे सेंटिनल्स हमला करते हैं, बट लकीली उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर माउरी पोर्टमैन जब आंदामान के आइलैंड्स पे इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उन्हें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे कुछ नॉर्मल से ट्राइब के लोग दिखे। फिर वो उन सबको किडनैप कर लेते हैं जो कि 6 ट्राइबल लोग थे। किडनैप करके उन सबको आंदामान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर पे ले आया जाता है। मे बी उनका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन सेंटिनल्स का शरीर आइलैंड के पहाड़ी एनवायरमेंट के साथ ढाल नहीं पाया और उनमें से 2 सेंटिनल्स मारे गए। इस चीज को देखते हुए बाकी लोगों को भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे छोड़ दिया गया और इससे ये पता चलता है कि उनका इंटेंशन सच में गलत नहीं था। फिर 1981 में एक दूसरा शिप डूब जाता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बहुत ही पास और ये एक डेडली एनकाउंटर था। सेंटिनल्स अटैक करते हैं प्राइम रोज नाम का इस शिप पे। बाद में रेस्क्यू कर लेने के बाद शिप के कैप्टन बताते हैं कि कुछ जंगली लोग थे जो होममेड वेपन्स को कैरी कर रहे थे और इन सब के बाद भी बहुत सारे एक्सपेडिशन किया गया इस आइलैंड पे, लेकिन सारे एक्सपेडिशन फेल हो गए। बाद में 1990 को एक टीम एंथ्रोपोलॉजिस्ट की इस आइलैंड पे एक सक्सेसफुल एक्सपेडिशन करते हैं, जब सेंटिनल्स बहुत ही सॉफ्टली लोगों से मिले। सेंटिनल्स को कोकोनट और दूसरा गिफ्ट दिया गया। वह पे एक चीज नोटिस किया गया कि सेंटिनल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मेटल की चीजों के ऊपर। शायद वो इन चीजों को पहली बार देख रहे थे। साल 2006 को सेंटिनल्स 2 फिशरमैन्स को मार देते हैं जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके थे। और ऐसे ही एक चीज रिसेंटली 2018 में भी हुआ है, जब एक अमेरिकन जॉन एलन चाओ इस द्वीप पर जाते हैं इन लोगों को क्रिश्चियनिटी समझाने के लिए। एलन चाओ को उस आइलैंड पे ले जाने वाले बोटमैन ये बताते हैं कि सेंटिनल्स चाओ को मारने के बाद उसकी बॉडी को बीच में ही कहीं गाड़ देते हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है जब लोगों ने सेंटिनल्स को एक पिग गिफ्ट किया था, तो सेंटिनल्स उस पिग को मार के बीच में ही कहीं गाड़ दिया था। इस आइलैंड को देखने का एकमात्र रास्ता है प्लेन से। जब आप इस टेरिटोरी के ऊपर से उड़ के जाएंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा। आइलैंड में सिर्फ जंगल ही जंगल है और चारों तरफ से नीला पानी और कोरल से घिरा हुआ है। 2004 को इंडियन ओशन में बहुत ही खतरनाक एक अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक का प्रभाव नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे भी पड़ा। भूकंप के चलते नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पानी से कुछ मीटर्स ऊपर आ गया। इतना खतरनाक भूकंप था तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक हेलीकॉप्टर भेजा आइलैंड पे रहने वाले लोगों को देखने के लिए, बट सरप्राइजिंगली वो लोग सब ठीक थे और हेलीकॉप्टर की ओर पत्थर और तीर फेंक रहे थे। रिसर्चर्स भी ये नहीं मान पा रहे थे कि वो लोग कैसे बच गए। साल 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट लॉ पास किया कि कोई भी उस आइलैंड के 9.26 किलोमीटर के क्षेत्र में नहीं जाएगा। अब से वो आइलैंड आउटसाइडर्स के लिए बैंड है। अगर कोई भी इनलीगली वहाँ पे जाएगा
तो इंडियन गवर्नमेंट उसका जिम्मा नहीं लेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट किसी भी तरह का मॉडर्न दुनिया का वायरस उस आइलैंड तक पहुंचाना नहीं चाहते थे। लोग अगर बाहर से वहाँ पे गए तो बहुत सारी बुरी चीज़ भी लोगों के साथ वहाँ पे जाएगा। वो किसी तरह का वायरस या उससे भी बुरा कोई चीज़ हो सकता है, और ये सब सेंटिनल्स के लिए एकदम ठीक नहीं है। बाकी रिसर्चर्स ये भी अनुमान लगाते हैं कि इस ट्राइब का फ्यूचर डेंजर में है और ज़्यादा दिनों तक लोग उस आइलैंड पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेंटिनल्स किसी को भी इस आइलैंड के अंदर आने नहीं देते। असल में क्या है उस आइलैंड के अंदर, ये जानना बहुत ही मिस्टीरियस है, और इसीलिए लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाते हैं, बट लोग निराश होकर लौटते हैं या फिर सेंटिनल्स के हाथों मारे जाते हैं। तो ऐसे समय हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, ये उनके लिए और हमारे लिए भी अच्छा होगा। बाकी उन लोगों का हमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, तो हम उन्हें अपने हाल पे छोड़ देते हैं। दुनिया मिस्ट्री से भरी हुई है, किसी और मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं जो थोड़ा सा कम रिस्की हो, बट वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक पे है।